अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मजे से हैं? वेरी गुड जी। ये बताइए, आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं? जी उर्दू में आप लोग आजकल दोहरा रहे हैं जी, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि अब हम जब नया पढ़ते जाएंगे, जब नया काम करते जाएंगे, नए सफ़े पढ़ते जाएंगे, तो हम साथ साथ पीछे का भी दोहराएंगे, ये ना हो कि हम पीछे का भूल जाएं। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने भारी आवाज़ों को दोहराया था ना। तो बस ये कहते हैं कि आज भी हम जो हैं अपना पिछला सफ़ा जो है वो दोहराते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो पीछे के सफ़े हमने पढ़े थे, जो पीछे का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो पीछे की मशक हमने की थी, कहीं भूल तो नहीं गए, है ना? देखना है ना। चलिए जी, अब ये करते हैं कि हम पिछला सफ़ा निकालते हैं, और आज ऐसा करते हैं कि हमने ढेरों अल्फाज पढ़े, हमने दो हरफी अल्फाज पढ़े हैं, तीन हरफी अल्फाज पढ़े हैं, और चार हरफी अल्फाज भी पढ़े हैं। तो आज हम दो हरफी अल्फाज को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है जी। उसके लिए हम खोलेंगे अपना सफ़ा नंबर 14 जी। सफ़ा नंबर 14 याद है आपको, पढ़ा है ना हम लोगों ने जी। ये सफ़ा हमने पहले पढ़ लिया है, और इसमें अलिफ के यानी कि अलिफ के दो हरफी अल्फाज थे, हमने ये बनाना सीखे थे और हमने पढ़ना सीखे थे, ठीक है ना। तो हम इसको दोहराते हैं, और दोहराने के लिए हम पहले क्या देखते हैं सफ़े पे, जब हम शुरू करते हैं तो आइकन्स देखते हैं। आपको पता है आइकन्स कौन कौन से हैं और कितने आइकन्स मौजूद हैं, क्योंकि ये सफ़ा हम कर चुके हैं पहले जी। तो ये कितने हैं आइकन्स, ज़रा ये बताइए। तीन आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन कौन सा है? फिंगर बनी हुई है, और उस पर जी लाइन से फिंगर रखी, इसका मतलब क्या होता है? पढ़िए जी, पढ़िए। लकीर खींची हुई है, पेंसिल है, तो उसका मतलब क्या है? लिखिए। और फिर मानो बिल्ली कहती है कि रंग भरिए। तो आपने यहाँ पे पढ़ भी लिया है, लिख भी लिया है, और रंग भी भर लिया है सफ़े पे, है ना, भर लिया ना, और कलर भी कर लिया। लेकिन हम दोबारा पढ़ सकते हैं, तो हमने क्या करना है? दोहराना है। तो इस सफ़े को दोहराना है, बार बार पढ़ना है, मेरे साथ पढ़िएगा। और इस सफ़े को शुरू करने से पहले आपने यहाँ पे तारीख भी लिखी थी ना, बस तारीख तो लिखी हुई, अब हमने क्या करना है? पढ़ना है। चले मेरे साथ साथ पढ़िए जी। बताइए जरा क्या है ये, दोहराइए जरा, जहन पे दौड़ डालें कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो पहले पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है भाई? टा टा पा टा पा टा पा टा पा टा पा चा 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 टा 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 चाटा 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 जी टापा 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 चाचा 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 चाटा 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 पापा पापा पा पा पापा पापा टा 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 टाटा 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 जी। और हमारे पास अब क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है बा 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 बाबा 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 जी। अब आपने दोबारा से मेरे साथ ये पढ़ना है, ठीक है जी। हम दोबारा से पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? टा पा टा पा टा पा टा पा जी टा पा। हाँ, और ये है चा 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 टा चा टा चाटा 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 जी टापा टापा चा 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 चाटा चाटा। क्या था ये? पापा 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 टा 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 टा
टा टा टा, और आखिरी में क्या था, बा 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 बा, बा 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 बा, और सबसे आखिर में यहाँ पे क्या था भाई, जा ता जाता, जा ता जाता। अब आपने ये पूरे अल्फाज दोबारा से दोहरा लिए ना, तो सब चीज़ आपको रिवाइज हो गई, दोबारा से समझ में आ गया क्या, हाँ हमने ये अल्फाज याद किए थे, पढ़े थे, लिखे थे, लेकिन कुछ हम भूल गए हैं, भूल गए थे ना, तो बस आज हमने दोबारा रिवाइज कर लिया। अब आपने ये करना है कि इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, कहीं ये ना हो कि दोबारा भूल जाए, और अपनी आदत बनानी है कि जब भी आप नया काम करेंगे तो साथ साथ आप पिछला काम भी दोहराते जाएंगे। तो आपको क्या होगा, जो जैसे ये अल्फाज आप कुछ भूल गए थे ना, लेकिन हमने आज रिवाइज करिए दोहराए तो दोबारा से हमें याद हो गए। तो इसी तरह से आपने ये वीडियो बार बार देखनी है, बार बार देखनी है, सफ़े को दोहराना है, और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताएंगे कि आज हमने सफ़ा नंबर 14 पे अल्फाज को दोहराया था, अच्छे से दोहराया था। आप उनको पढ़ के सुनाइएगा और फिर हल्का मिलेंगे कल नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।